व्हाट्स अप गाइस, गदर 2 मूवी ने भाई साहब बॉक्स ऑफिस हिला रखा है। एक तो लोगों का जो वो प्यार मिला है मूवी को, और जो मूवी का ऑलरेडी एक फैन बेस है वो तो देखने गया ही है, और जो यंग जनरेशन है वो भी जा रही है मूवी देखने के लिए। और आज हम देखेंगे गदर 2 की सुनामी, गदर 2 कलेक्शन। तो वीडियो की काफी इंटरेस्टिंग बॉक्स ऑफिस कलेक्शन बता लगने वाले हैं मेरे हिसाब से 2 दिन का, और उनके स्टाइल में। तो भैया जिस जिसने देख लिया कमेंट करके जरूर बताना। 1 2 3 गो। अच्छा, KGF 2 के टाइम ये वाले भाई साहब आपको याद है क्या? ये वाले और इन भाई साहब का एक हिंदी डब्ड वर्जन भी देख लो। चलो, किससे आजादी दिलाएगा तू हमें? तुम लोग अभी इसकी औलाद। नमस्ते, मैं हूँ रौनक। नमस्कार, मैं बउआ। स्क्रीन वाला पे वेलकम। ये वीडियो देख रहे हैं आप, आपको दिख रहा है ट्रैक्टर में लोग किसी नेता की रैली में नहीं जा रहे हैं। भीलवाड़ा राजस्थान में पूरे थिएटर में लोग गदर 2 देखने पहुंचे हैं। जयपुर वालों ने पूरा राजमंदिर थिएटर ही एक हफ्ते के लिए हाउसफुल कर रखा है। कल पूरा पटना हाउसफुल था। आगरा में एक वीडियो सामने आया जिसमें गदर 2 के टिकट ब्लैक में बिक रहे हैं। पहले दिन इस फिल्म ने 40 करोड़ 10 लाख का नेट कलेक्शन किया है। इस साल ये पठान के बाद दूसरी सबसे बड़ी ओपनर है, जबकि पठान और इसके बजट में बहुत बड़ा अंतर है। यहाँ तक कि पठान को क्लैश में गांधी वर्सेस गोड से मिली थी, और इसे OMG 2 जैसी हैवी कंटेंट ओरिएंटेड मूवी मिली है जिसमें अक्षय कुमार जैसा सुपरस्टार है। इसके बावजूद गदर ने पहले ही दिन वर्ल्ड वाइड 50 करोड़ मारा है भैया, 50 करोड़। अब आप कमेंट में मुझसे पूछोगे कि पठान से क्यों कंपैरिजन कर रहा है, तो रुको भैया, उंगलियों और घुटनों को तकलीफ मत दो, मैं बताता हूं। वो इसलिए क्योंकि पठान इस साल की सबसे बड़ी हिंदी मूवी है, ऑब्वियसली कंपैरिजन तो उसी से होगा ना। फिर भी कुछ लोग लिख रहे हैं कि मैं शाहरुख भाई से जलता हूं। अरे वो कोई उदय सेट्टी थोड़ी ना है कि मजनू को उनसे जलन होगी। बताओ, बोलने दे तकलीफ हुआ है बेचारे। बोल इतना मान के चलो कि सनी देओल ने फिल्म में हैंडपंप नहीं उखाड़ा तो ये हाल है। अगर उखाड़ देते तो सोचो कितनी फिल्मों के रिकॉर्ड जड़ समेत उखड़ जाते। इंडस्ट्री का एस्टिमेट है कि अगर इसका OMG 2 से क्लैश ना होता तो थिएटर को कैपेसिटी का इशू नहीं होता, और ये फिल्म आराम से 60 से 65 करोड़ की ओपनिंग ले लेती। फिर भी फिल्म में बिजली के खंभों के साथ जो खिलवाड़ किया गया है, कुछ लोगों को कितना भी सिली लगे, लेकिन ऑडियंस ने उसे अपनाया है। ये फिल्म ये बात फिर से साबित करती है कि अगर जनता ने किसी फिल्म को चढ़ा लिया ना बाबा, तो तुम उसे कुछ भी रिव्यू दे दो, उसकी बत्ती बन जाती है भाई। हमने पठान में भी देखा और अब गदर 2 में भी देख रहे हैं। इतना ज्यादा कि पूरी फैमिली इसको देखने आ रही है भाई। संडे बोले तो आज ये फिल्म 50 करोड़ का आंकड़ा पार कर सकती है। बोले तो सिर्फ 3 दिन में 150 करोड़ के पार ये पहुंच जाएगी। यानी आप चाहे जितना गला फाड़ के बोल दो कि इलॉजिकल सीन है, मजा नहीं आया, पहले वाली गदर जैसी नहीं है, अपने टाइम से काफी पीछे है, पब्लिक को तो घंटा इससे फर्क नहीं पड़ता। उसने अगर मन बना लिया है कि इस फिल्म को देखेगी तो देखेगी, लेकिन इस फिल्म में ऐसा क्या है जो एक बार फिर से पब्लिक को क्लिक कर गई? उसके 3 बड़े रीजन मुझे लगते हैं। सबसे पहला, नॉस्टैल्जिया। पूरी फिल्म गदर की सक्सेस पर खेलती, ये पूरी फिल्म उसी टेम्पलेट पर चलती है जो गदर में था, ओरिजिनल फिल्म में। बॉर्डर पार करो, 4 पाकिस्तानियों को पेलो, अशरफ अली के बगीचे में धनिया बो दो, चिल्ला के सबके कान के पर्दे फाड़ दो, और क्लाइमेक्स में बाकी चीजें भी फाड़ दो। लेकिन वो हर इंडिविजुअल के साथ अलग अलग लेवल पर हो सकता है। जैसे किसी को कोई सीन अच्छा लगा तो किसी को कोई और सीन। दूसरे रीजन पर आते हैं कि ब्रांड। गदर फ्रेंचाइजी दुनिया की सबसे बड़ी मूवी फ्रेंचाइजीज में एक है। उसमें भी बड़ी बात यह कि ये फिल्म डायरेक्टर या राइटर से ज्यादा लोगों की बनाई गई फिल्म है। लोगों ने इसे गदर बनाया है, क्योंकि पहली वाली गदर के भी रिव्यूज बहुत गंदे दिए गए थे, लेकिन फिल्म ने जब कमाई की तो सबकी बोलती बंद हो गई। फिल्म बस उसी ब्रांड पर खेलती है। सबको मालूम है कि वो फिल्म में क्या देखने वाले हैं, बनाने वाले को भी मालूम है कि उसे क्या दिखाना है। मेकर और ऑडियंस का थॉट प्रोसेस एकदम क्लियर है। यही वजह है कि अपने टाइम से पीछे होने के बाद भी ये फिल्म बड़े थिएटर में छत उड़ा दे रही है। तीसरा सबसे बड़ा रीजन है सनी पाजी। जी हाँ, सनी देओल की एक लॉयल फैन फॉलोइंग है। वो फैन फॉलोइंग जिसको 22 साल बाद एक बड़ी और सक्सेसफुल फ्रेंचाइजी का सहारा मिला है। बहुत दिन बाद ही सही, लेकिन उस लॉयल फैन बेस को एक बड़ा मौका मिला है। एक रॉ एक्शन स्टार जब अपने पूरे शेप में आता है ना, तो ऐसे ही आता है। पब्लिक को वही हिट किया है और ये रिएक्शन निकल कर आया है कैसा, जैसा एक अंकल जी ने दिया है। सर, एक नंबर मूवी है सर। बाकी आपने फिल्म देख लिया नहीं देखी है, जाने वाले हैं या टिकट ढूंढ रहे हैं, नहीं मिल रहा, जो भी हो कमेंट करके हमें जरूर बताना। और जाने से पहले भाई, मूवी का हमने प्लान किया हुआ है वीकडे में जाने का। और आप में से जो देख के आ चुका है आप जरूर बताना अपना रिव्यू। बाकी यही वाली बात है, जब वो वर्ड ऑफ माउथ और प्लस जो जनता का प्यार होता है, मेन तो यही है, जनता को पसंद आ गई ना, फिर सही बताओ, फिर कोई रेटिंग या क्रिटिक्स फिर किसी को होने, क्योंकि मेन बनी जनता के लिए। एक तो गदर नाम ही काफी है, नाम ऊपर सनी पाजी, सनी देओल की ना, मतलब मूवी देखेगा ना, इंडियन थी एक, और बहुत सारी थी, हीरो लव स्टोरी ऑफ स्पाई जो है ना, हाँ अलग ही फैन करते हैं। और मुझे लगता है कि जो देशभक्ति वाले बात कर लो, या जो इंडियन आर्मी वाले रोल्स, इस तरीके से जो देशभक्ति वाले रोल्स है, वो सनी पाजी बिल्कुल शूट करते हैं। और बॉर्डर मूवी देख लो यार, बॉर्डर एक वो देख रही थी मैं, तो उसमें ना ऐसे करके वो देख रहे थे लोग, ओ माय गॉड, एकदम से आवाज आती है उसकी चिल्लाने की, ऐसे करके लोग बोले कि अरे भाई सनी पाजी थम जाओ दूसरी पिक्चर में,
कि वहां से ना उसके चिल्लाने की आवाज आ रही है, हाँ, दूसरी स्क्रीन पे आ रही होगी, साइड में लोग गधर देख रहे हैं, वो ऐसा होगा ना कि इधर एक मूवी चल रही है दूसरी स्क्रीन ऊपर होगी या साइड में उधर से आवाज। वो एक मीम बना हुआ था इस तरीके से कि जब सनी बाजी दहाड़ते हैं तो थिएटर ऐसे हिलता है, हर उसमें आवाज जाती है। और जो ये वाला रोल है ना, मतलब मुझे नहीं लगता कि जो, मतलब सही में बता रही हूँ, वो जो दहाड़, वो गदर से पहले और मूवीज में भी है एक, जिसमें दिखाई भी दे जो इनका रौद्र रूप होता है ना सनी बाजी का, मतलब वो जो ढाई किलो का हाथ वाला डायलॉग है वो किसी और पे सूट कर ही नहीं सकता। पॉइंट वो धर्मेंद्र बाजी भी, मतलब उस टाइम के, या तो वो उनपे सूट करता क्योंकि पर्सनैलिटी ऐसी रही है। अब एग्जांपल है कार्तिक आर्यन, नो डाउट बहुत अमेजिंग एक्टर है, लेकिन ये डायलॉग उधर नहीं जाएगा। और वही जो रोमांस जो कार्तिक आर्यन के निकल के आता है वो सनी बाजी में निकल, तो एक कैरेक्टर को प्ले करने का वही वाली, तभी एक डायरेक्टर होता है, एक विजन होता है कि किसको कास्ट करना है, वही वाली बात आ जाती है। और भैया अपना पॉइंट ऑफ व्यू, अपना रिव्यू जरूर शेयर करना जब भी आप देख के आए भाई। लोग तो सुबह 5:30 बजे का शो भी देख के आए। मिलते हैं आपसे एक और वीडियो के साथ, और जल्दी हम भी देख के आएंगे, अपना रिव्यू खुद का भी देंगे हमारे ब्लॉगिंग चैनल पे दीपक गहलोत। बाय बाय, टेक केयर।